हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बना के दिखाने वाली हूँ एक टू डू लिस्ट। ये बहुत ही बेसिक सा टू डू लिस्ट है जो मैं आप लोग अपने टास्क को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हो, इस टाइप का एक टू डू लिस्ट बनाने वाली हूँ मैं। इसमें इतने सारे मैंने पहले से ऐड करके रखे हुए हैं, आप तो सो आप ये देख पाओ। तो अभी मैं एक आपके सामने एक टास्क ऐड करती हूँ इसमें, वेकअप अर्ली। मैंने ऐड पे क्लिक किया, ये देखो ये ऐड हो गया यहाँ पे। इस तरह से आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हो, ये देखो इस तरह से ये ऐड होता जा रहा है। तो ये तो हमने देख लिया ऐड करने का। अभी जैसे ही आप ये रिमूव पे क्लिक करोगे तो ये रिमूव भी होगा, तो ठीक है। तो चलिए अब लोग इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने HTML, CSS और JavaScript के यूज़ से बनाया है। मैं आती हूँ अपने डेस्कटॉप पे। ये मैंने एक टू डू लिस्ट फोल्डर बना के रखा हुआ है पहले से, मैंने उसे ओपन किया और मैं आ गई उस फोल्डर के अंदर। तो अब मैं विजुअल कोड यूज़ करती हूँ। मैं इस फोल्डर के अंदर आके राइट क्लिक करूँगी तो यहाँ एक ऑप्शन आता है ओपन विथ कोड। मैंने जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी ये मुझे विजुअल कोड के पर लेके जाएगा। तो ये देखो हमारा विजुअल कोड ओपन हो चुका है। तो ये देखो ये टू डू लिस्ट, तो इस फोल्डर में आए थे तो हमारा फोल्डर यहाँ पे आ चुका है। उस फोल्डर के अंदर हम लोगों को अपने फाइल्स क्रिएट करनी है। तो ये देखो न्यू फाइल्स यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो हमें अपने HTML फाइल लिखनी है पहले, तो हम index.html फाइल क्रिएट करते हैं। ये देखो हमारा index.html क्रिएट हो चुका है। तो VS कोड मुझे बहुत पसंद है, मैं ये यूज़ करती हूँ। तो बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं जो काफ़ी टाइम सेव करते हैं हमारे। तो ये देखो अभी हम एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के एंटर किया मैंने, ये देखो HTML का बॉयलर टेम्पलेट। इतने सारे कोड मैंने एक क्लिक में यहाँ पे कर लिया। तो अब हम लोग टाइटल देते हैं, ये हमारा टाइटल है। आते हैं अपने बॉडी पार्ट के अंदर, जो भी कोड है अपने बॉडी पार्ट के अंदर लिखते हैं हम लोग। तो हमें अपने टू डू लिस्ट को बनाना है, क्या करना है हम लोगों को, ये बॉक्स बनाना है हमें। तो हम लोग ये क्या है, मैं जैसे ही डॉट कंटेनर लिख के एंटर करूँगी, ये देखो एक डिव क्रिएट हो गया जिसका क्लास कंटेनर है, जिसका क्लास नेम कंटेनर है। तो ये एमेट का शॉर्टकट होता है, जब भी हम लोग कोई क्लास क्रिएट करना है तो डॉट लिख के एंटर करोगे तो आपका एक कंटेनर क्लास ओपन हो जाएगा। ये क्लास है इसलिए मैंने डॉट से लिखा है, या क्लास और आईडी आपको पता हो गया है। अब हम अपनी हेडिंग देंगे टू डू लिस्ट। के अंदर हमें कंटेनर भी बनाना है, तो अगेन हम लोगों को इनपुट कंटेनर क्लास बनाना है। तो डॉट इनपुट कंटेनर, देखो ये बन गई। अंदर इनपुट बॉक्स लेते हैं जहाँ पे हम अपने टास्क को एंटर करेंगे। टाइप टेक्स्ट लोग एक आईडी दे देते हैं जो कि हम लोग जावास्क्रिप्ट में यूज़ को एक्सेस करने के लिए यूज़ करेंगे। तो इसकी आईडी मैं देती हूँ इनपुट बॉक्स। प्लेस होल्डर डालते हैं, फिर लिखते हैं एंटर योर टास्क। एक काम करती हूँ, पहले इसे सर्वर पे ओपन करती हूँ। देखो यहाँ पे गो लाइव पे क्लिक किया, मुझे अपने क्रोम पे लेके जाएगा। ये HTML, इतना HTML मैंने अभी तक बनाया है तो इसका आउटपुट मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एक काम करती हूँ, मैं दोनों को सेम स्क्रीन पे रख लेती हूँ ताकि आप लोग एक साथ देख पाओ। तो मैं क्या करूँगी, अभी ठीक है।
भी आप लोग बैक टू बैक देख पाओगे कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, कैसे चेंज हो रहा है। और मैं इससे वर्ड रैप कर लूँगी कि आप लोग ऐसे वीएस कोड आप लोगों को पता होगा तो आप लोग इजली कर सकते हो। इसका शॉर्टकट होता है अल्ट जेड करूँगी, ये देखो सेम स्क्रीन पे हमें पूरे कोड देखने को। आप ऐसे फाइल्स व्यू में जाके यहाँ वर्ड रैप भी कर सकते हो। ऐड बटन बनाना है, बटन एलिमेंट लेते हैं उसमें डालते हैं। ये तो हमारा हो गया इनपुट बॉक्स जहाँ पे हम अपने टास्क को एंटर करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। बट जब भी हम ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो कहीं तो जाके सेम उसी कंटेनर में सेव होगा ना। ये हमारा कंटेनर है, इसके अंदर ही ये हमारा टास्क ऐड हो, तो वो कहाँ पे ऐड हो रहा है, वो हमारा ऐड होगा डूएल में। लिस्ट, एक लिस्ट बनानी होगी ये एलआई में, वो ऐड होता जाएगा। ये एलआई जस्ट क्रिएट करके आपको बता रही हूँ, बट ये एलआई हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करेंगे। अपने यूएल को यहाँ पे हम लोग एक आईडी दे देते हैं ताकि हम लोग इसको अपने जावास्क्रिप्ट में इजीली एक्सेस कर पाए। इसको मैं आईडी दूंगी टास्क लिस्ट। तो ये हमारा एचटीएमएल कंप्लीट हो चुका है। अगेन टू डू लिस्ट के अंदर हमें एक फाइल बनानी है स्टाइल डॉट सीएसएस। हमारे सीएसएस फाइल यहाँ पे करके देखो, अभी लोगों को थोड़ी मार्जिन देखने को मिलती है ना, डिफॉल्ट मार्जिन है। तो जीरो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सीएसएस ऐड को पैडिंग बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स ये देखो, अभी हमारा कोई भी सीएसएस अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने अपने इस सीएसएस को अपने एचटीएमएल में लिंक किया ही नहीं है। तो जब तक हम इसे अपने एचटीएमएल में लिंक नहीं करेंगे, हमारा सीएसएस हमें नहीं दिखेगा। इसलिए हमें करने के लिए क्या करते हैं, अपने टाइटल टैग के जस्ट ऊपर, आप नीचे भी कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, बस हेड टैग के अंदर होना चाहिए। तो लिंक टैग लेते हैं और हमने जिस नाम से अपना सीएसएस फाइल बनाया है वो नाम यहाँ पे लिखना है डॉट सीएसएस। ये देखो, अभी देखो हो गई हमारी, अभी दिख रही है आपको सीएसएस क्या हुआ। जब आपने ये नहीं डाला था, बताती हूँ, तो ये देखो ऊपर से लेफ्ट से साइड से आपको कुछ ना कुछ स्पेस दिख रही है। और जैसे ही हम ये वापस से ऐड करते हैं और सेव करते हैं तो ये देखो चेंजेस दिख रही होगी। अपने बॉडी टाइप थोड़ी सी स्टाइलिंग ऐड करती हूँ मैं, बैकग्राउंड देती हूँ मैं एक लीनियर ग्रेडियंट बैकग्राउंड देती हूँ 135 डिग्री कलर दूंगी। ब्लैक और ग्रे का ग्रेडियंट बनाना है मुझे, ग्रे और ब्लैक का हेक्स कोड याद रहता है, बाकी और कुछ याद नहीं रहता मुझे, कोई इशू नहीं है याद नहीं है तो याद नहीं है आपको, जो याद है वो लिख दो, बाकी आप इधर से आके कलर चूज कर सकते हो। भी आप सेव करो, ये देखो बैकग्राउंड तो आ गया बट ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है अभी। ये क्यों हो रहा है, हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे रिपीट हो रहा है। उसके लिए क्या करना है, बैकग्राउंड रिपीट को नो रिपीट करना है। तो ये देखो हमारा बैकग्राउंड तो आ गया, लेकिन अभी आप बोलोगे ये पूरे पे तो आया नहीं। तो ये क्यों नहीं आया, क्योंकि हमारे
HTML में अभी इतने ही टेक्स्ट है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो टेक्स्ट है अभी बॉडी साइज बस उतनी ही है, हमारा बैकग्राउंड बस उस पे ही अप्लाई हो रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने बॉडी का विड्थ देते हैं, बॉडी में विड्थ और हाइट सेट करनी होगी हमें ताकि वो पूरे स्क्रीन पे अप्लाई हो। हाइट 100 भी को मेन हाइट दे देते क्या? देखो अब हम अपने कंटेनर को स्टाइल करेंगे। कंटेनर हमारा क्या है, क्लास है, तो उसके लिए डॉट कंटेनर क्लास है इसलिए मैंने डॉट के साथ सेलेक्ट। सबसे पहले तो हम अपने कंटेनर में विड्थ देंगे, विड्थ तो मैं 400 पिक्सल देती हूँ, मैक्स विड्थ देती हूँ, मार्जिन दूंगी मैं 20, लेफ्ट राइट से ऑटो, ये मार्जिन टॉप और बॉटम से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से ऑटो, पैडिंग दूंगी ट्वेंटी पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, बैकग्राउंड में कल वाइट ही रखती हूँ, बॉर्डर एक और राउंड करने 8 फिट कर सकते, बॉक्स शैडो थोड़ी सी शैडो देनी, तो अब हमारा क्या है, कंटेनर के अंदर हमारे हेडिंग है, हेडिंग करूँगी टेक्स्ट अलाइन सर या इसी मार्जिन कम टॉप बॉटम दे 12 पिक्सल लेफ्ट राइट से 0। अब हम आते हैं अपने कंटेनर पे, हमारा इनपुट बॉक्स और बटन है ना, कंटेनर को हमारा क्लास है डॉट पुट कंटेनर, डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स, मार्जिन बॉटम तो कंटेनर को स्टाइल किया मैंने, कंटेनर टेक्स्ट फुट टाइप टेक्स्ट फ्लेक्स बंद हूँ मैं, इससे क्या होगा कि विड्थ से मिलेगा वो ले लेगा, ऐड बटन है ऐड, बाकी बची हुई टेक्स्ट ये होता है हमारा, इसी पैडिंग देती हूँ 9 पिक्सल, एक बॉर्डर ये बैकग्राउंड आपको वाइट का
अब हम फाइल करेंगे, रिटर्न को हम लोग डायरेक्टली सेलेक्ट करते हैं, क्लास या आईडी है देते हैं, राइट से सिक्स बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कलर ग्रीन कलर में हो गया, बट ये टेक्स्ट कलर अभी ब्लैक है तो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं क्या करूँगी, कलर तो मैं करती हूँ वाइट, एफ एफ, ये वाइट का हेक्स बढ़ाना, तो ग्रीन बॉर्डर को करती हूँ ऑर्डर, रेडियस करती हूँ 4 पिक्सल का, ये देखो डुअल स्टाइलिंग करते हैं, यही हम आवाज हमारा इतना स्टाइल हो चुका है। अब हम आएंगे अपने जावा स्क्रिप्ट पे, जहाँ पे हमें एलआई को भी क्रिएट करना है, ऐड करना, स्टाइल भी करना है, तो करना है फटाफट से, फिर से एक फाइल बनाते हैं अपने टू डू लिस्ट के अंदर, फाइल का नाम देते हैं स्क्रिप्ट डॉट JS, कर दिया। अगेन आप अपने इस फाइल को अपने HTML में लिंक करना ना भूलें, वरना कोई भी फंक्शन ऐड ही नहीं होगा। फाइल क्रॉस चेक जरूर करना, अपने नाम से बनाया उसे पे दें। सबसे पहले हम अपने फुट बॉक्स को प्लस साइन डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी बॉक्स दिया, फुट बॉक्स ही दिया, क्या लेना क्या नहीं वो आप लोगों को थोड़ा लॉजिक समझ कि हमें देखो हमें अपने इनपुट बॉक्स में लोग अपने टास्क को कहाँ पे लिख रहे हैं ये सोचो, इनपुट बॉक्स में लिख रहे हैं तो बॉक्स तो हमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है, इसलिए यहाँ पे इनपुट बॉक्स को लिया मैंने। सेकंड, जो भी हम लोग टास्क ऐड करेंगे तो वो कहाँ पे ऐड हो रहा है, हमारे टास्क लिस्ट में ऐड हो रहा है, यहाँ पे टास्क लिस्ट को डॉक्यूमेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, टास्क लिस्ट को जो आईडी दी थी सेम आईडी यहाँ पे लिखनी है, फर्स्ट हमारे अपने टास्क को ऐड करवाना, ऐड फंक्शन ऐड टास्क क्या है, हमारे हमारा जो ऐड बटन है पे हमें एक इवेंट लिसनर लगाना है, हम लोग क्या करते हैं आते हैं अपने HTML फाइल में, ये जो बटन है हमारा जो हमारा बटन है यहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक फंक्शन ऐड ऐड
एयर ट्रांसफॉर्म सबसे पहले हमें इनपुट टेक्स्ट लिखना है, इनपुट टेक्स्ट को लेते हैं यहाँ पे। इनपुट टेक्स्ट में क्या आएगा, इनपुट बॉक्स जो वैल्यू है वही तो हमारा टेक्स्ट है। बट स्ट्रीम इनपुट बॉक्स, ये हमने अपना इनपुट टेक्स्ट बनाया। इनपुट टेक्स्ट क्या है, जो भी यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा, जो भी आप यहाँ पे लिखोगे वो हमारा इनपुट टेक्स्ट होगा। तो क्या है, वो हमारा इनपुट बॉक्स के अंदर जो हम लिख रहे हैं, मतलब इनपुट बॉक्स की वैल्यू, और ट्रिम जो है हमारा एक स्ट्रिंग मेथड है जावास्क्रिप्ट में। इससे क्या होता है, जो भी वाइट स्पेस या रहते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और ये हमें एक न्यू स्ट्रिंग देता है सारे वाइट स्पेस को रिमूव करके। अब हम लोगों को कंडीशन चेक करनी है, इफ जो हम लोग टेक्स्ट डाल रहे हैं, जो भी टेक्स्ट हम लोग लिख रहे हैं, वो अगर ब्लैंक नहीं है, टेक्स्ट नॉट इक्वल टू ब्लैंक, टेक्स्ट ब्लैंक नहीं है, मतलब मैंने यहाँ कुछ लिखा, मैं इस पे ऐड करूँगी तो क्या होगा, हमारा एल आई क्रिएट, एल आई को क्रिएट करते हैं हम लोग कॉन्स्ट वेरिएबल। जावा स्क्रिप्ट में हम लोग अपने एलिमेंट कैसे क्रिएट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट, ये एक मेथड है एलिमेंट क्रिएट करने का जावा स्क्रिप्ट, क्रिएट एलिमेंट लाई, क्रिएट एलिमेंट लाई। एल आई के इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट में इनपुट टेक्स्ट हम यहाँ पे लिखेंगे वही हमारा टेक्स्ट होगा। तो एल आई का इनर का इनपुट टेक्स्ट हो, आप लोगों को इतना समझ। अब सबको एल आई के अंदर एक रिमूव बटन भी बनाना है, और तो रिमूव बटन क्या करेगा, हमारे टास्क को डिलीट करेगा, तो इसे डिलीट बटन के नाम से बना रही हूँ मैं, डिलीट, डिलीट बटन डॉट डिलीट, डिलीट बटन डिलीट बटन पे कोई क्लिक करेगा तो हम बनाएंगे अभी आगे, इतना तो हो गया। तभी हमारे एल आई टेक्स्ट है उसे एल आई में डालना है, हमारा जो रिमूव बटन है उसे भी अपने ऐड करना है, तो एल आई के एंड में हमें रिमूव बटन चाहिए, एंड में हमें रिमूव बटन चाहिए, एल आई अपेंड चाइल्ड डिलीट बटन। ये क्या करेगा, हमारे एल आई के एंड में अपेंड क्या होता है, एंड ऐड होता है,
li के एंड में डिलीट बटन ऐड हो गया। अब टास्क li को हमें अपने टास्क लिस्ट अपेंड कर, टास्क लिस्ट तक आपको कुछ भी समझ होगा, जब तक मैं करके नहीं दिखाऊंगी बस। तो जब यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा, अपने पेस वाले लिखा तो ऐड किया, ये यहाँ ऐड हो गया हेलो और ये तो रैंक हो गया। तो हमें क्या करना है, हमारा सब ऐड हो रहा है। तो अब हमारे जो इनपुट बॉक्स की वैल्यू, इनपुट बॉक्स वैल्यू क्या हो, नहीं इनपुट बॉक्स खाली हो गया है करके क्या। अभी हम ने रिमूव बटन और अपने को स्टाइल करते हैं डॉट बैकग्राउंड में ग्रीन कलर ही दूंगी। एलआई बॉटम बॉटम रिफ्लेक्स कंटेंट एक कीवर्ड है जो अपने पेरेंट क्लास को HTML CSS JavaScript कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग देखते हैं अपने टास्क को ऐड करके, टर्न HTML ऐड, ये देखो अरे टास्क लिस्ट में ऐड हो गया। अभी ये थोड़ा अच्छा नहीं दिख रहा है ना, मैं इसे थोड़ी और स्टाइलिंग देती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने यूएल के अंदर एक हेडिंग दे देती हूँ टास्क लिस्ट, तो मैं H3 टैग के अंदर लूँगी, मुझे इतनी बड़ी हेडिंग नहीं चाहिए। यहाँ मैं लिखूँगी टास्क लिस्ट, कि मैं अपने स्टाइल में सेंटर में करना है। तो मैंने H1 में जो स्टाइलिंग की है सेम एस कर देती हूँ सेंटर में आ। फिर हम अपने ऐड करते हैं अभी हमारा बटन ऊपर नीचे से दिख रहा है आपको, ये अभी अलाइन नहीं है, उसके लिए हम लोग अलाइन आइटम सेंटर करते हैं। ये देखिए क्या
स्पेस बिटवीन जगह स्पेस अराउंड करके देखो, स्पेस बिटवीन है। तो ये हमारा टू डू लिस्ट रेडी है। टास्क लर्न जावास्क्रिप्ट इन अ वीक। आई नो इट्स नॉट पॉसिबल, ऐड कर दियो। वेक अप अर्ली। तो इस तरह से आपके टास्क ऐड होते जा रहे हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखो हमारा टू डू लिस्ट बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही बिगनर लेवल का है। यहाँ पे मैंने क्या, आप चाहे तो इसमें और भी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हो जावास्क्रिप्ट के थ्रू। लाइक आप यहाँ पे एडिट बटन यूज़ कर सकते हो। आपने जितने भी टास्क यहाँ पे ऐड किए हैं वो सारे आप चाहते हो वो आप जब भी अपने ब्राउज़र को रिफ्रेश करो तो वो आपका वहाँ पे बना रहे। तो उसके लिए लोकल स्टोरेज वगैरह ये सब यूज़ कर सकते करो। आफ्टर देन वी कैन डू इट बाई एडिंग सम मोर फंक्शनैलिटी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके मुझे बताओ। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल पे इसी तरह बने रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।